क्वेश्चन नंबर टू का लास्ट पार्ट, फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 टाइम x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x पावर 3 प्लस 1 होल पावर 3/2। अगर मैं यहां पे डिफरेंशिएट कर लूं फंक्शन को तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि यहां पर देखें कि ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये फंक्शन डिवाइड हो रहा है, तो एक ही टाइम के अंदर मुझे प्रोडक्ट फार्मूला भी लगाना पड़ेगा और क्वेश्चन फार्मूला भी लगाना पड़ेगा, तो इससे क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए मुझे क्या करना होगा, इसको थोड़ा सिंपली फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। जब ये सिंपल फॉर्म में आ जाएगा तो फिर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो सिंपल फॉर्म में लेके आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं कुछ फार्मूलों का सहारा लेता हूँ। जैसे एक्स स्क्वायर मल्टी वन, इसको लिखा जा सकता है एक्स प्लस वन इन टू एक्स मल्टी वन। इसी तरीके से मेरे पास एक्स रेस टू पावर थ्री प्लस वन, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस वन इन टू एक्स स्क्वायर मनफी एक्स प्लस वन लिखा जा सकता है। अब ये मैंने जो इसकी फॉर्म बनाई है ये वाली, ये एक फार्मूला की मदद से बनाई है, यानी फार्मूला हम जानते हैं कि ए पावर थ्री प्लस बी पावर थ्री ये बराबर होता है ए प्लस बी इन टू ए का स्क्वायर मनफी ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी मदद से मैंने इसका एक्सपेंड कर लिया। चलिए वैल्यू रिप्लेस करवाते हैं, वाई इज इक्वल टू, इस एक्स स्क्वायर मनफी वन की जगह पर लिख सकता हूँ मैं एक्स प्लस वन इन टू एक्स मनफी वन, और ये कंप्लीट के ऊपर स्क्वायर रूट है और डॉट है x प्लस वन डिवाइडेड बाई ये x रेज टू पावर थ्री प्लस वन, सॉरी इसकी जगह पे मैं भी ये वाली एक्सपेंडिंग करके जो वैल्यू है वो ही पुट कर देता हूँ। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दो तो ये बनती है x प्लस वन इन टू एक्स का स्क्वायर मनफी एक्स प्लस वन और ये होल पावर आ जाती है 3/2। तो अब इसी स्टेप को मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि ये अंडर रूट एक्स प्लस वन का भी है और एक्स माइनस वन का भी है, तो दोनों का जो स्क्वायर रूट है वो अलग अलग लिख देता हूँ और ये आ गया एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई, इसी तरीके ये पावर 3/2, एक्स प्लस वन की पावर भी 3/2 है और ये एक्स स्क्वायर मनफी एक्स प्लस वन इसकी पावर भी 3/2 है। उसके बाद मैं सिमिलर टर्म्स को इकट्ठा कर लेता हूँ तो y बराबर आ जाएगा, जैसे ये x प्लस वन है ये भी क्या होगा x प्लस वन है, तो दोनों को इकट्ठा कर ले, सेम बेसिस हो तो पावर इकट्ठी कर ली जाती है, इसकी पावर 1/2 और इसकी पावर 1 इसमें ऐड हो गई और ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ x मनफी 1 एज इट इज डिवाइडेड बाई लिख दिया x प्लस वन, पावर आ गई 3/2 और ये x स्क्वायर मनफी x प्लस वन और पावर आ गई 3/2। जब मैं इस पावर को सॉल्व कर लेता हूँ 1/2 प्लस वन, तो बाई एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करूँगा तो ये पावर बन जाएगी 3/2 और इनटू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मनफी वन, स्क्वायर रूट को लिखा जा सकता है 1/2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन होल पावर 3/2 और डॉट आ गया एक्स स्क्वायर मनफी एक्स प्लस वन होल पावर 3/2। तो यहाँ से ये देखें कि ये वाला फैक्टर इस फैक्टर से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी मेरे पास रह जाएगा y इज इक्वल टू एक्स मनफी वन होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाई आ जाएगा एक्स स्क्वायर मनफी एक्स प्लस वन होल पावर 3/2। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया है। अब हमें यहाँ पर देखें क्वेश्चन फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो मैं इस डिफिकल्टी से बचने के लिए क्या करता हूँ, लॉग अप्लाई कर लेता हूँ। टेकिंग ln, ये नेचुरल लॉग अप्लाई कर लेता हूँ ऑन बोथ साइड, क्योंकि एक्सरसाइज लॉग की है इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लॉग से सॉल्व कर देता हूँ। तो लेफ्ट साइड से लॉग अप्लाई कर दिया, राइट साइड से भी ln x मनफी वन होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर मनफी एक्स प्लस वन और पावर आ जाती है 3/2। ठीक है, ये सारा का सारा इसका एंगल मौजूद है, मैंने दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो दो प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि एल एन ए की पावर एक्स, ये जो एक्स है इसको मैं स्टार्ट में लिख सकता हूँ, तो एक्स मैंने स्टार्ट में लिख दिया तो बाकी रह गया एल एन ऑफ ए। इसी तरीके सेकेंड प्रॉपर्टी मेरे पास ये होती है कि ए डिवाइडेड बाई बी, अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो तो डिवीजन का साइन जो होता है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाते हैं और दोनों वैल्यू के साथ अलग अलग लॉग भी आ जाते हैं। ठीक है, लॉग लिख दें या एल एन लिख दें एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो चलें प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं लॉग की। तो यहाँ पे देखें ln ऑफ y बराबर आ जाते हैं। तो सबसे पहले ये देखें कि ये दो फंक्शंस जो है ना, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन, दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवीजन का साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। तो x मनफी 1 पावर 1 बाई 2, इसी तरीके माइनस ln x स्क्वायर मनफी x प्लस 1 और पावर आ जाती है 3 बाई 2। अब हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी मजीद है कि ln y बराबर होगा कि ये जो पावर होती है इसको मैं स्टार्ट में लिख सकता हूँ और इस पावर को भी मैं स्टार्ट में लिख सकता हूँ। तो 1 बाई 2 आ गया स्टार्ट में, तो ln into आ गया x माइनस 1 और माइनस इसी तरीके से ये पावर भी आ गई स्टार्ट में, तो ln into x square मनफी x प्लस 1 आ गया। अब हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ से डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। लेफ्ट साइड से डेरिवेटिव ले लेते हैं, d ओवर dx into ln ऑफ y, और यहाँ से भी डेरिवेटिव अप्लाई कर लेते हैं। देखिए डेरिवेटिव इस फंक्शन पे अलग अप्लाई हो जाएगा, इस फंक्शन पे अलग अप्लाई होगा। तो 1 बाई 2 यहाँ पर कोफिशियंट है, कोफिशियंट पर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होता, इसलिए इसको स्टार्ट में लिख लेता हूँ और बाकी फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर लेता हूँ। तो ln into x minus 1, ठीक है, उसके बाद ये माइनस आ गया, तो माइनस लगा देता हूँ, 3 बाई 2 कोफिशियंट है बाहर आ जाएगा, और बाकी फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव लगा देता हूँ ln into x square मनफी x plus 1, ठीक है। तो चलें डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब ln y का डेरिवेटिव होता है 1 over y, और y का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे x की रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा dy over dx। इसी तरीके से हमारे पास ये जो 1 by 2 है ये तो बाहर ही आ जाएगा, और log of x ये सारा का सारा इसका x मतलब एंगल है, तो log of x का डेरिवेटिव होता है 1 divided by x, x की जगह पे लिख देंगे x मनफी 1। अब हम इसके एंगल का भी दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, एंगल है x मनफी 1, उसके बाद मनफी 3 बाई 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर भी log का ये सारा का सारा एंगल है, तो फार्मूला होता है log of x किसके बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाई x, x यहाँ पर है x स्क्वायर मनफी x प्लस 1। अब हम इस ये जो एंगल है इसका दोबारा से भी डेरिवेटिव लेंगे, तो x स्क्वायर मनफी x प्लस 1, ठीक है, प्लस 1, ओके प्लस 1 है ये वाला, ठीक है प्लस 1। तो नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप 1 ओवर y dy ओवर dx बराबर आ जाएगा, 1 को 1 टाइम जरब करेंगे तो 1 बनेगा, और 2 को x मनफी 1 से जरब करेंगे तो ये लिखा जाएगा 2 इंटू x मनफी 1। अब यहाँ पे देखें कि x की रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव 1 और ये 1 का डेरिवेटिव आ जाता है 0, क्योंकि कॉन्स्टेंट फंक्शन है। इसी तरीके मनफी 3 बाई 2 तो बाहर आ जाएगा, या इसको भी मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, ये 3 को 1 टाइम जरब करेंगे तो 3, 2 को इससे जरब करेंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर मनफी एक्स प्लस 1 बन जाएगा, और ये 3 मतलब मैं इसको थोड़ा सेंटर में लिख देता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर देखें कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, और x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1, और 1 कॉन्स्टेंट फंक्शन है तो कॉन्स्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाता है 0। तो मजीद इसे सिंपलीफाई करें तो 1 ओवर y dy ओवर dx बराबर आ जाएगा। तो देखिए 1 मनफी 0 1 होता है, और 1 मनफी 1 को 1 टाइम जरब करेंगे तो ये 1 आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 इन टू एक्स मनफी 1, और ये माइनस आ गया। अब ये 3 को इन दोनों से जरब करेंगे, 3 को 2x से जरब करेंगे तो ये बन जाएगा 6x, इसी तरीके 3 को माइनस 1 से जरब करेंगे तो आ जाएगा माइनस 3, डिवाइडेड बाई आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर मनफी एक्स प्लस 1। अब हम इसे मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई वाई डी वाई ओवर डी एक्स। तो यहाँ से देखें कि यहाँ से 1 बाई 2 है, यहाँ पे 1 बाई 2 है, तो 1 बाई 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो बाकी रह जाता है 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 6x मनफी 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर मनफी एक्स प्लस 1। उसके बाद हम एलसीएम लेंगे, ये 1 डिवाइडेड बाई वाई डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आ जाता है एक्स का स्क्वायर मनफी एक्स प्लस 1। तो एलसीएम से हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर मनफी एक्स प्लस 1 और माइनस इनटू, सॉरी एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा
एक्स मनफी वन इन टू एक्स स्क्वेयर मनफी एक्स प्लस वन आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये एक्स मनफी वन इस एक्स मनफी वन से डिवाइड होगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वेयर मनफी एक्स प्लस वन को वन टाइम जरब किया तो ये आ गया, उसके बाद माइनस और ये एक्स मनफी वन मल्टीप्लाई हो जाएगा सिक्स एक्स मनफी थ्री से। तो इसको मजीद मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, तो वन डिवाइडेड बाई वाई डी वाई ओवर डी एक्स ये बन जाता है मेरे पास वन बाई टू। ये वाला फैक्टर सेम टू सेम लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर मनफी एक्स प्लस वन, और ये माइनस बाहर है तो इसलिए ब्रैकेट लगा देता हूँ, इन दोनों को ज़रब कर देता हूँ। तो x को 6x से ज़रब करूँगा तो ये बनेगा 6x स्क्वायर, x को मनफी थ्री से ज़रब करूँगा तो माइनस थ्री एक्स, इसी तरीके माइनस वन को 6x से ज़रब करूँगा तो माइनस सिक्स एक्स, और मनफी वन को मनफी के थ्री से ज़रब करूँगा तो प्लस का आ जाता है थ्री, और ये डिवाइडेड बाई है x माइनस वन और इन टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर मनफी एक्स प्लस वन, ठीक है। अब इसे मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या बन जाता है, वन डिवाइडेड बाई वाई डी वाई ओवर डी एक्स दिस इज इक्वल टू वन बाई टू इन टू एक्स का स्क्वायर मनफी एक्स प्लस वन, ये माइनस अंदर ज़रब होगा तो ये बनेगा मनफी सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस के थ्री एक्स और प्लस के सिक्स एक्स और मनफी के थ्री डिवाइडेड बाई एक्स मनफी वन और इन टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर मनफी एक्स प्लस वन आ जाएगा, ठीक है। तो वन बाई वाई डी वाई ओवर डी एक्स ये बराबर आ जाएगा, तो यहाँ से सिमिलर टर्म्स जो है ना उनको इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे ये एक्स स्क्वायर है ये भी एक्स स्क्वायर है, तो प्लस का वन एक्स स्क्वायर मनफी के सिक्स एक्स स्क्वायर से चला जाए तो बाकी रह जाता है मनफी के फाइव एक्स स्क्वायर, इसी तरीके ये प्लस के सिक्स एक्स प्लस के थ्री एक्स नाइन, और नाइन में से एक वन एक्स चला गया तो बाकी रह गया प्लस के एट एक्स, उसके बाद ये आ जाता है माइनस प्लस का वन मनफी के थ्री हो जाएंगे माइनस के टू डिवाइडेड बाई एक्स मनफी वन और इन टू आ जाएगा एक्स स्क्वेयर मनफी एक्स प्लस वन आ जाता है, ठीक है। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, तो वन डिवाइडेड बाई वाई डी वाई ओवर डी एक्स ये बन जाता है, ये वन को इस फैक्टर से ज़रब कर देता हूँ, टू को इस फैक्टर से ज़रब कर देता हूँ, वन को करेंगे तो ये बन जाएगा मनफी का फाइव एक्स स्क्वेयर प्लस के एट एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई लिखा जाएगा टू इन टू एक्स मनफी वन और इन टू एक्स स्क्वेयर मनफी एक्स प्लस वन। हमारा मकसद क्या है कि हमें फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स, मतलब कि ये वन ओवर वाई हमें नहीं चाहिए, इसलिए वाई नहीं चाहिए तो वाई को हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे, तो जैसे ही ये y दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि y डॉट मनफी फाइव एक्स स्क्वायर प्लस के एट एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई टू इन टू एक्स मनफी वन और एक्स स्क्वायर मनफी एक्स प्लस वन आ जाएगा। अब हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट करवा देंगे जो हमने स्टार्ट के अंदर लेट की थी, तो y हमने क्या लेट किया था, y ये जो हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर इसको लिखा था ये वाली वाई की वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस करवा देते हैं, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर वन, यानी कि ये इक्वेशन नंबर वन से वैल्यू उठा के वहाँ पे पुट करवा देता हूँ, तो बाय यूजिंग इक्वेशन वन की मदद से मैं इस वाई की वैल्यू को पुट करवा देता हूँ। तो मेरे पास वाई क्या था, मैं यहाँ पे पुट करवा देता हूँ, तो y था मेरे पास x माइनस वन पावर वन बाई टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर मनफी एक्स प्लस वन और पावर थी थ्री बाई टू, ठीक है, और इन टू मेरे पास आ गया मनफी फाइव एक्स स्क्वायर प्लस के एट एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई टू इन टू एक्स मनफी वन और इन टू एक्स स्क्वायर मनफी एक्स प्लस वन। तो जो सेम बेसिस फैक्टर है उनको इकट्ठा कर लेते हैं, तो जैसे कि ये देखें कि ये एक्स मनफी वन का फैक्टर है और ये भी एक्स मनफी वन का फैक्टर है, इनको इकट्ठा कर लेता हूँ, इसी तरीके से ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर सेम है, इनके बेसिस सेम है तो इनको इकट्ठा कर लेता हूँ, तो इकट्ठा करके लिख लेते हैं, तो डी वाई ओवर डी एक्स बन जाएगा मनफी के फाइव एक्स स्क्वायर प्लस के एट एक्स और मनफी के टू डिवाइडेड बाई ये फैक्टर और ये वाला फैक्टर इकट्ठा कर लें, इसकी पावर वन और इसकी पावर थ्री बाई टू, इकट्ठी पावर लिख लेंगे एक्स स्क्वायर मनफी एक्स प्लस वन
यानी 3/2 प्लस 1। इसी तरीके से ये वाला फैक्टर जो था मेरे पास, ये वाला और ये वाला, इनको इकट्ठा कर ले, x मनफी 1, इसकी यहाँ पर पावर है 1, और ये 1/2 नीचे आके हो जाएगी नेगेटिव 1/2। तो सॉल्व कर लें तो dy ओवर dx बन जाता है मनफी 5x स्क्वायर प्लस के 8x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर मनफी x प्लस 1। तो 3/2 में 1 ऐड करेंगे तो ये पावर बन जाती है 5/2। डॉट x मनफी 1, 1/2 में 1/2 माइनस करेंगे तो ये पावर बन जाती है 1/2। अब इसको यूं भी लिख सकते हैं मनफी 5x स्क्वायर प्लस के 8x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर मनफी x प्लस 1 पावर 5/2। और ये जो 1/2 है इसकी जगह पे मैं स्केयर रूट डाल देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन हमारा स्केयर रूट के फॉर्म में था, इसलिए मुझे आंसर भी किस में लिख दिया, स्केयर रूट के फॉर्म में लिख दिया।